ओंकारेश्वर में लेवा पाटीदार समाज की परंपरा के अनुसार लड़की की शादी के दौरान रस्म अदायगी के अनुसार दुल्हन बारात लेकर घोड़े पर सवार होकर झांसी की रानी की तरह दूल्हे को आमंत्रित करने पहुंचती है। यह प्राचीन परंपरा ग्रामीणों में अभी भी जारी है, किंतु शहरों में लड़की घोड़े पर बारात लेकर नाचते गाते झूमते हुए देख शहरवासी स्तब्ध रह जाते हैं। इसी प्रकार लेवा पाटीदार समाज ओंकारेश्वर में ग्राम सिरसौत जिला खंडवा की बारात आज कुमारी रंजना पाटीदार सिरसौत को बारात ले जाते देख ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में रविवार उपवास के दौरान आज श्रद्धालु भी देखते रह गए। दुल्हन बारात के साथ अपने परिजनों और रिश्तेदारों को लेकर नगर में ढोल धमाड़ों के साथ नाचते झूमते बारात हिमांशु पाटीदार ग्राम सिरसौत के परंपरागत अनुसार समाज की रस्म अदायगी करने बारात लेकर पहुंचती है। हमारे संवाददाता से नाचते हुए दुल्हन ने खुशनुमा माहौल में कहा कि समाज की परंपरा के अनुसार बारात लेकर घोड़े पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अच्छा लग रहा है। युवा युवतियों को संदेश देते हुए नई नवेली दुल्हन रंजना पाटीदार ने कहा कि सभी अपनी जिंदगी इसी प्रकार से गुजारें। पाटीदार समाज की परंपरा है कि दुल्हन घोड़े पर बैठती है, सारे रिश्तेदार मेरे साथ मौजूद हैं। ओंकारेश्वर लेवा पाटीदार समाज के अध्यक्ष शिवजी पाटीदार ने बताया कि समाज की परंपरा के अनुसार प्रथम बार ओंकारेश्वर में 19 नवंबर गत मेरी पुत्री प्रियंका की बारात भी नगर में निकली थी, जिसमें नगर वासियों के साथ साथ रिश्तेदारों ने भी भाग लिया था। आज भी समाज के द्वारा ये परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। आपका नाम? वंदना पाटीदार। कौन से गांव, कहां विवाह हो रहा है आपका? ये आपके समाज की ये परंपरा है? हाँ, ये हमारे समाज की परंपरा है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं नई दुल्हनों को, युवा पीढ़ी को? बस मैं भी यही कि ऐसे ही अपनी जिंदगी को गुजारे खुशी खुशी। साड़ी पहनाते हैं, ये परंपरा हमारे है। इसके पहले 19 नवंबर को अगले साल मेरी बेटी का इसी तरह से ओंकारेश्वर में ऐसा घोड़े में बैठा के सर्कस निकाला गया था। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में दुल्हन को पहली बार घोड़े पे बैठ के देख कई आश्चर्यचकित तीर्थ यात्री भी हो रहे हैं, तो ये परंपरा आपकी कितने वर्षों से चली आ रही है? ये समझो कि 4-5 पीढ़ी से चला रही है। कैसा महसूस करते हैं आपके समाज में? हमारे समाज में बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बच्चियों को खुशी होती है, क्या उसमें शक्ति प्रदान होती है, हौसला बढ़ जाता है, इसी प्रकार से चलता रहता है। ओंकारेश्वर से ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सत्यार्थी की रिपोर्ट।